इस देश के टुकड़े किए थे। तो बैठो अपनी बात करो। इस देश के टुकड़े तुम्हें हक नहीं है जमीयत उलमा पर बोलने का। तुम्हें हक नहीं मेरी बात पर बोलने का। वो लोग अपना हिस्सा लेके चले गए। निकल पाकिस्तान, निकल तू पाकिस्तान। बाप का हिंदुस्तान, निकल यहां से। तेरे बाप का हिंदुस्तान। अगर आपकी यही तरीका, यही तौर तरीका सिखाया जाता है आपको, और यही सीखकर आपको बड़े हुए, तो आपको लानत है साजिद रशीदी। जो ऐसी जमातों को जिन्होंने जंग आजादी में किरदार अदा किया है, जिनके हजारों हजार उलमा, 60,000 उलमा इकराम ने कुर्बानियां दी हैं, आप जाके देखें इंडिया गेट पे। अगर आप पढ़ना जानते हैं, 37,000 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। यही तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी तो पैदाइश भी नहीं थी उस वक्त में। पढ़ लो जमीयत उलमा क्या है। साजिद रशीदी, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, और ये आखिरी बार आपको कह रहा हूँ। एक तो मेरे सामने बिल्कुल तमीज में रहिए, बदतमीजी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नंबर एक बार, मेरी पैदाइश पर आप नहीं जाएंगे। नंबर दो बार, वरना आपको जाना सर, छोड़ छोड़ कर आप जा सकते हैं आप। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वायरल डिबेट शो के अंदर। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले, वो होने वाला है टाइम्स नाउ नौबाद के शो राष्ट्रवाद का। और दोस्तों, आज की इस डिबेट के अंदर राम मंदिर के मुद्दे पर बहस होने वाली है, जिसमें दोस्तों डिबेट के एंकर राकेश पांडे और मौलाना साजिद रशीदी जी के बीच में आपको काफी तीखी बहस इसी मुद्दे पर इस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर से देख के जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रशीदी साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि पहले के भी एक दो बयान आपके सनद में है। सवाल यह है कि 15 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा एक बार फिर से सुर लेकर बैठ गए इस देश के बड़े सो कॉल्ड मुस्लिम संगठन, कि भाई ये तो कानूनी जुल्म था, ये फैसला हम नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और वहीं पलट कर ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान है। देखिए, दो अल्फाजों को अपने सही कर लीजिए, मैं आपको बार बार टोकता हुआ आ रहा हूं। एक तो मौलानाओं के साथ कट्टरपंथ मत लगाइए, दूसरे ये जो जमातें हैं जिन्होंने आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया है, इनके साथ सो कॉल्ड मत लगाइए आप। आपको इनकी हिस्ट्री का पता नहीं है शायद। ये वो जमातें हैं जिन्होंने जंगे आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है, मुसलमानों की नुमाइंदा जमातें हैं। आप इनको सो कॉल्ड कहकर आपका नंबर नहीं है, आपका नंबर नहीं है। मौलाना हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को चौड़ा करेगा, उसे मैं सो कॉल्ड मौलाना ही कहूंगा। और इस देश का कोई भी संगठन जो कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट तो मानते भी है, उसके बाद कहेगा कि भाई सवाल भी उठाते हैं, तो मैं उसको सो कॉल्ड संगठन ही कहूंगा। ये बात बिल्कुल क्लियर समझिए, ये मेरी ये बात सभी मौलानाओं पर लागू नहीं होती है, ना सिर्फ सभी संगठनों पर लागू होती है। मेरी भी क्लियर सुनिए, आप क्या हैं? मूंग मसूर की दाल, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, हु आर यू? कहिए आप सो कॉल्ड, आपके कहने से थोड़े बन जाएंगे। नहीं तो आप कौन है? आप जैसे बोलने का तरीका सीखिए, आप जैसे सैकड़ों हैं, मैं आपको इन शब्दों से नवाजू क्या कि आप कौन है? मैं भी आपकी क्या है? अगर आप सो कॉल्ड बोलेंगे तो यही शब्द बोलूंगा। कौन क्या है? अगर सो कॉल्ड बोलेंगे तो यही शब्द बोलूंगा। अगर सो कॉल्ड और कट्टरपंथी बोलोगे मौलानाओं को तो यही बोलूंगा, तो मैं भी बोलूंगा मूंग मसूर की दाल। जो कोई भी हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई चोरी करेगा, मूंग मसूर की दाल मैं भी बोलूंगा। बोलते रहिए, आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी यही तरीका, यही तौर तरीका सिखाया जाता है आपको, और यही सीखकर आपको बड़े हुए, तो आपको लानत है साजिद रशीदी। जो ऐसी जमातों को जिन्होंने जंगे आजादी में किरदार अदा किया है, जिनके हजारों हजार उलमा, 60,000 उलमा इकराम ने कुर्बानियां दी हैं, आप जाके देखें इंडिया गेट पे। अगर आप पढ़ना जानते हैं, 37,000 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। उन पर सवाल उठा रहे हैं क्या? जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, उनको सवाल उठा रहे हैं क्या? यही वो जमातें हैं कुर्बानी दी, उनको सैल्यूट है। यही वो जमातें हैं जिन्होंने हमको शहीद होने के लिए आगे किया। बिना हिंदू मुस्लिम देखे हुए सैल्यूट है, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन जो सवाल उठाएंगे उनको नहीं सलामी है, ये बात आप समझिए। तुम पैदा नहीं हुए थे उस वक्त। यही वो जमातें हैं जिन्होंने उनको आगे आने के लिए जंगे आजादी में कहा और लेकर आए आगे, और वो शहीद हुए। यही वो जमातें हैं। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी तो पैदाइश भी नहीं थी उस वक्त में। पढ़ लो जमीयत उलमा क्या है, पढ़ लीजिए उसको। जमीयत उलमा को जिसने नहीं पढ़ा वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हो सकता। साजिद रशीदी, पढ़िए उसको। इनकी आवाज डाउन करिए पीसीआर, इनकी आवाज डाउन करिए पीसीआर। साजिद रशीदी, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, और ये आखिरी बार आपको कह रहा हूं। एक तो मेरे सामने बिल्कुल तमीज में रहिए, बदतमीजी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नंबर एक बात, मेरी पैदाइश पर आप नहीं जाएंगे। नंबर दो बात, वरना आपको जाना सर, छोड़ छोड़ कर आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मेरी पैदाइश देखने के लिए आपको नहीं बुलाया यहां पर। तमीज सीखिए कैसे बातचीत की जाती है। तुम तड़ा करके, मैंने आपसे बातचीत नहीं की, लेकिन आपने तुम तड़ा किया। मैं आपको आखिरी वार्न देता हूं, इसके बाद ऐसी भाषा नहीं, तो आप सर चले जाइएगा। इस देश के टुकड़े किए थे। तो बैठो अपनी बात करो। इस देश के टुकड़े, तुम्हें हक नहीं है जमीयत उलमा पर बोलने का। तुम्हें हक नहीं मेरी बात पर बोलने का। वो लोग अपना हिस्सा लेके चले गए। निकल पाकिस्तान, निकल तू पाकिस्तान। तेरे बाप का है हिंदुस्तान, निकल यहां से। तेरे बाप का हिंदुस्तान, कर रहे हो देश के टुकड़े। तेरे बाप का है हिंदुस्तान, एक मिनट। तेरे बाप का है हिंदुस्तान, तेरे बाप का है हिंदुस्तान। मैं बीच में आ गया। दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए प्लीज, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए पीसीआर। फैज खान, आप भी अपनी भाषा पर संयम रखिए। पाकिस्तान जाने की बात आप मत करिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, साजिद रशीदी, मैंने पहले भी आपको वार्न किया था सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मैं किसी से खड़े होकर बातचीत करूं। तो सर मुझे मजबूर मत किया करिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे मजबूर मत किया करिए। मैं सहिष्णु हूं, लेकिन मेरी ये कमजोरी नहीं है। मैं सही और नेशनल चैनल पर बैठे हैं, ये तौर तरीका सीख कराते हैं क्या? साजिद रशीदी, ऐसे आप अपनी कम्युनिटी को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अरे किसी की मस्जिद को आप शहीद कर 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं तो वो हम कैसे भूल जाएंगे? हम भी अपनी नस्लों को बताएंगे कि वहां पर मस्जिद थी और मैं कयामत तक रहेगी, मस्जिद कभी हटती नहीं। दूसरी बात, सन 1949 में जो चोरी से मूर्ति प्रकट हुई वो मूर्ति कहाँ है? मेरे को इसका जवाब दे दीजिए। जो 1949 में मूर्ति रखी गई बाबरी मस्जिद में, वो वाली मूर्ति कहाँ है? वो नहीं है, नई मूर्ति बनाई गई। ये दर्शाता है कि हिंदू पक्ष का जो दावा था वो बहुत कमजोर था, क्योंकि कोर्ट के पास 142 के तहत मैदान लग रहा है। सुनिए, नंबर दो बात है, पूरी जानकारी ले लिया करिए, आ जाइए अयोध्या, वो मूर्ति अभी भी अपनी जगह है। अरे सर, आपको नहीं पता राकेश भाई, मैं वही कह रहा हूं, देखिए राकेश भाई, अरे आपकी जानकारी अधूरी है। अरे वो मूर्ति आप दिखा दो, हिंदू धर्म के बारे में मत दिखाइए भाई, आपसे ज्यादा ही पता है मुझे। टीवी पर मैं यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ पिछले 4 दिन से। बौखलाया मत करिए विवेक विराट, सुनिए मैं आपको, सुनिए मैदान लग रहे, एक तो या तो आप चैनल ही ठीक से देख लिया करिए, कम से कम मैं पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर हूँ भाई, वो मूर्ति अभी भी अस्थायी आवास में है, वो मूर्ति नए देवे मंदिर में भी जाएगी, जो मूर्ति 5 साल के रामलला की होगी वो अलग से प्रतिष्ठापित होगी, थोड़ी जानकारी दिया करिए भाई, ऐसे हवा हवा में मत क्या करिए, सुन लिया करिए विवेक विराट, रुक जाइए, रुकिए हो गया आपको, अरे सुनिए मैं, आपको आपके काम की जानकारी मैंने दी, दे दी आपको आपके काम की जानकारी, नहीं आपको आ जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विवेक विराट, आप पूरे देश को मंदिर मस्जिद बनाना चाहते हैं, अरे भाई विकास से जोड़िए, अरे रुकिए, जाकर अपने मुगल शासकों से पूछिए जिनको आप आदर्श मानते हैं, विवेक विराट पहले संविधान नहीं था, अब तो है संविधान, मैदान रंगरेज ने ये बात कही, उसी संविधान का अनुपालन कैसे हो ये सुनिश्चित सुप्रीम कोर्ट करता है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई वहां पर मंदिर बनेगा, और फिर उसके बाद ये सवाल भी उठाएंगे और कहेंगे हम संविधान मानते हैं। गलत चीजें हैं उनको ये ऊपर रखना चाहते हैं, क्योंकि आज इनकी रोटियां सेकनी बंद होगी, आज इनके इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई, आज जब इन्हीं के लोगों ने इनके ऊपर उंगली उठाना शुरू किया तो इन सबको मिर्ची लगनी शुरू हो गई। आज भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है तो इनको इस बात की मिर्चियां लग रही है। इससे पहले जब आपने मस्जिदें तोड़ के मंदिर बना दिए गए थे तब आपके मुंह से कोई जुबान नहीं निकली थी, तब आपने कुछ नहीं बोला था, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता था, तब हिंदुओं को मैं साजिद रशीदी के बाद आपको भी वार्न कर रहा हूं, और एकदम भाषा संयमित रखा करिए सर। दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त तो रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिखेगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों आज की ये डिबेट राम मंदिर के मुद्दे पर थी, जिसमें आपने देखा होगा किस तरह से दोस्तों मौलाना साजिद रशीद साहब इस डिबेट में बौखला गए और डिबेट के एंकर राकेश पांडे के साथ ही उलझने लग गए, और दूसरे एक पैनलिस्ट उन्होंने कहा कि हम हमारी नस्लों को बताएंगे कि यहाँ पर हमेशा से बाबरी मस्जिद थी। मैं तो यही कहना चाहूँगा इन सभी पैनलिस्ट को कि अगर कोर्ट को लगता कि वहाँ पर राम मंदिर नहीं था, कोर्ट को लगता कि वहाँ पर राम का अस्तित्व नहीं था, तो कोर्ट उसी तरह से फैसला सुनाता, लेकिन कोर्ट को पूरे साक्ष्य मिले, वहाँ पर पूरे एविडेंस मिले, इसी आधार पर यह फैसला सुनाया गया कि राम मंदिर वहां पर बनना चाहिए। खैर ये सभी राजनीति का विषय, इसमें हम नहीं पढ़ते, लेकिन जितने भी हिंदू लोग हैं सबको गर्वान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को फाइनली राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उसका उद्घाटन भी होगा। तो मैं सभी हिंदुओं को यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में राम मंदिर को देखने वहाँ पर जाए, क्योंकि ये सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही इतिहास में दर्ज होने वाला सुनहरा पल होने वाला है। खैर दोस्तों आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।